हर कोई मुझे ऐसी नजरों से देखता है जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर ली है तुमसे शादी करके। नहीं बेबी, हम ऐसी बात भी नहीं है यार। ऐसा ही है, सब नजर आ रहा है मुझे। अच्छा प्लीज यार, ये रोना तो बस करो। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। और आज तो एमन ने मुझसे बहुत बदतमीजी से बात की। तुम एक काम करो, मुझे वापस इस्लामाबाद भेज दो, बस बहुत हो गया। ठीक है, मैं भी यही सोच रहा हूँ। वैसे भी अब तुम्हारा यहाँ रहना बिल्कुल बेकार है। हैं? ये क्या बात हुई? ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसे थोड़ी होता है। अरे मैं तो ये सोच के रही थी यहाँ पे दादू होंगी तो उनमें अपनी माँ का चेहरा नजर आएगा मुझे। एमन मैं छोटी बहन का प्यार देखूंगी, और बाबा मैं अपने बाप की शफकत देखूंगी। लेकिन मैं क्या सोच के आई थी, मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है? बस मैंने फैसला कर लिया यार, तुम इस्लामाबाद जा रही हो और कुछ दिनों में मैं भी वहां आ जाऊंगा। अरे नहीं, मुझे इस्लामाबाद नहीं जाना है, मैं यही रहूंगी। तो क्या हुआ अगर वो मुझसे प्यार नहीं करते? लेकिन मैं तो उनसे प्यार करती हूँ ना, देखना मैं यही रहूंगी उन लोगों के सरों पे। मेरा मतलब है कि मैं इनके दिलों में अपनी जगह बनाऊंगी। मैं इनको छोड़ के कभी नहीं जा सकती। देखो शेरोज, मैं आप लोगों को छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगी, कभी कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा बाबा, जहाँ रहना है वहां रहो, लेकिन प्लीज ये रोना तो बंद। ठीक है, मैं अब नहीं रो रही। अब तुम खुश हो ना? हाँ खुश। अच्छा सुने ना, मैं शॉपिंग करना चाहती हूँ, यहाँ दिल बहुत घबरा रहा है। चले ना कहीं भाई चलते हैं। ठीक है बाबा, तुम और तुम्हारी रिटेल थेरेपी। मैं गाड़ी में वेट करता हूँ, तुम चेंज करके आ जाओ। ओके ओके। कैसे रो लेते हैं लोग, सारा मेकअप खराब कर दिया। कह रहा था मुझे वापस इस्लामाबाद चली जाना। हाय।